एस्थमा दमा क्या है? एस्थमा एक सांस की बीमारी है जो केवल फेफड़े की सांस की जो नलियां हैं, जो ट्यूब्स है, उसको प्रभावित करती है। ये किसी बच्चे को भी हो सकता है, न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है और किसी वयस्क को भी हो सकता है। आखिर एस्थमा होता क्या है? एस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी सूजन पैदा करने वाली एक बीमारी है जो वायुमंडल के होने वाले परिवर्तन, मुख्यतः एलर्जी की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सांस के द्वारा फेफड़े में जा रही है और सूजन पैदा करती है और बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। सूजन की वजह से सांस की नली संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है और एक अजीब सी आवाज़ आती है जिसे कहते हैं वीजिंग कहते हैं, छाती में जकड़न होना, खांसी आ जाना, सीटी सी आवाज़ होना और सांस फूलने लगना। चारों तरफ हवा तो है लेकिन सांस नहीं है, नाक बंद है सांस नहीं आ रही है, मुंह खोल के सोना है रात भर नींद नहीं आ रही है, सांस का अटैक पड़ गया है। जी हाँ, ये सभी एलर्जी की वजह से होता है। सांस का मुख्य कारण जो होता है वो एलर्जी होती है, आवांशिक होता है। घर में अक्सर आपने देखा होगा फादर को सांस फूलती थी, मदर को होती थी, फादर मदर को नहीं होती थी तो बाबा या नाना को होती थी, भाई को होती थी या चाचा को होती है। ये एक खून में आपके जेनेटिक होती है और खून के द्वारा बच्चों में या एक या दो जनरेशन के बाद में आ सकती है। इसके अलावा वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन, धूल, गर्दा, स्मोक, पॉल्यूशन, इंडोर पॉल्यूशन, आउटडोर पॉल्यूशन, कुछ हाउस डस्ट माइट हैं, कुछ ऐसे कीड़े जो कि आपके घर में रहते हैं, विशेषकर ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे इस तरह के हाउस डस्ट माइट हैं जो सोने के साथ में आपके नाक के अंदर जाते हैं और एलर्जी का प्रकोप करते हैं। ग्रीनरी तो है लेकिन वो पॉलन है, आप ओवर सेंसिटिव हैं, आपको एलर्जी हो गई है। मौसम बदला, होली आई, दिवाली आई, आपको एलर्जी हो गई, सांस का अटैक पड़ गया। ये केवल टेम्परेचर वेरिएशन से नहीं होता है, हो सकता है आप एक नीचे की तरफ में हैं, अपने शहर में हैं, वहाँ ठंडक है और आपको सांस का अटैक पड़ा है। गर्मी है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और एकदम से हिल स्टेशन में जाए, आपको सांस का अटैक पड़ गया। ठंडक में है, सांस का अटैक तो है लेकिन हिल्स में जाने के बाद में आप स्वतः बिल्कुल ठीक हो गए।